तो भाई अभी हम जा रहे हैं सबसे लंबी एक रेल यात्रा जो कि होने वाली है पूरे 2 दिन से ज़्यादा, लगभग 44 आवर्स लगेंगे। और ये पीछे ट्रेन है पूरी अजमेर पूरी एक्सप्रेस। तो हम जाने वाले हैं पूरा एक लंबा सफ़र कर गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र से निकलते हुए उड़ीसा की तरफ। तो पूरी अभी जा रहे हैं हम डब्बा पकड़ने, तो आपको दिखाते हैं ये ट्रेन के बारे में भी क्या है, हमारा कोच क्या है, बाकी ये पूरा एक ट्रेन ब्लॉग है। तो चलो अभी अपना B3 है डब्बा, तो आगे चलना है अपन को थोड़ा सा और। तो भाई ये कोच है B3 अपना, और अपना है 50 नंबर सीट, एंड यहाँ से एंट्री है। चलो दिखाता हूँ मैं, तो चलो आगे चलते हैं अपन। तो ये अपना सीट यहाँ है, ये 2 लोअर, एक ये एक अपना अपर रहने वाला है। तो यहाँ से सफ़र करने वाले पूरी का सबसे लंबा, अब तक का मेरा सबसे लंबा ट्रेन जर्नी होगा। देखते आगे आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है ट्रेन में, 2 दिन रुकेंगे तो भाई मेरे लिए तो एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। बाकी देखते हैं, अभी यहाँ से डिपार्चर होने में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम है, बाकी चलो दिखाते हैं आपको। तो भाई अपने साथ चल रहे पूरी मेरा भाई है, और हमारी बुआ भी चल रही है, और शुभम भाई पहले अपने रणथंभौर वाले उस ट्रिप में मिले ही थे। तो बस अब सब निकलते हैं और आपसे आगे मिलते हैं। और एक और स्पेशल ट्रेन खड़ी अगर आप पढ़ोगे तो भारत गौरव, तो ये भी ठीक है यार, ये स्टेशन का है। अभी थोड़ा सा और वेट करना है, 7:10 पे रवाना होगी, 10-11 मिनट बचे हैं, और बस ऑल सेट है, थोड़ा सा और घूम रहे हैं, बाकी चलते हैं। ये देख लीजिए ये रही ट्रेन, ये हमारा डब्बा आ गया, ये अजमेर रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से हम छोड़ देते हैं अजमेर जंक्शन को जो कि हमारा होम टाउन है, और निकल जाते हैं टूवर्ड्स द पुरी। यानी एक मेरा ड्रीम पुरी राइड रहने वाली है, जो भी है लॉन्गेस्ट ट्रेन जिसमें मैं अब तक बैठा हूँ, तो एक न्यू एक्सपीरियंस ऐड होने वाला है, तो ये एक्सपीरियंस आप सभी को भी मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं इस जर्नी में। तो भाई ये पहला होल्ट है ब्यावर, अभी 52 किलोमीटर का सफ़र करके हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म 1 पर, गाड़ी आई है ब्यावर। तो बस अब आगे की तरफ मारवाड़ जंक्शन है, तो यहाँ पर 2 मिनट का होल्ट है बस, ये अपना कोच खड़ा हो गया। ये ब्यावर जंक्शन है, और गाड़ी का नंबर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर गाड़ी नंबर है हमारा, अगर आपको दिखेगा तो 20824। जागो रे देखो रे दुनिया ए देखो रे, भाई हम आ चुके हैं अपने सेकंड होल्ट पे जो कि है मारवाड़ जंक्शन, अजमेर के अजमेर से निकल के ब्यावर, देन अभी हम आ गए मारवाड़। तो गाड़ी लगभग 10 मिनट डिले हुई है, बाकी अभी आगे जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेशन बीच में 2 और आएगी, बट मैं आपको सीधा मिलूंगा, आपसे बात करेंगे अपन आबू रोड पर। अभी आबू रोड आने में टाइम है लगभग 11:30 के आसपास अपन पहुँचेंगे, 2 घंटे और। तो चलो अभी आगे चलते हैं। तो भाई अभी थोड़ा सा स्टेशन पे घूम लिया, 5 मिनट का होल्ट है, तो और बातें चीतें कर ली। बाकी देखो इधर भी एक इंजन आ रहा है, ये भी हॉर्न दे रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। बाकी ये रहा अपना डब्बा, तो यहीं है, अभी 2 मिनट और रुकेगी गाड़ी, ये केवल इंजन जा रहा है, अब चेंज होगा आगे किसी गाड़ी पर जाके कहीं लग जाएगा ये। तो काफ़ी सही है, रात का सीन है, तो रात को मैं कम ही शूट करूँगा, और बड़ी ट्रेन है तो आपको स्टेशन स्किप करके बताऊँगा मैं, है ना। तो बाकी चलो ये देखो इंजन पास में आ गया भारतीय रेल, बाकी घंटी बोल गई हमारी गाड़ी की, अब इसके बाद रानी आएगा फिर फलाना। तो भाई यहाँ पर बस मूवी वगैरह इंजॉय कर रहा है, एयरपोर्ट लगा दिया है, चार्जर उधर है ही, बाकी बस वापस ट्रेन निकल गई है, और बस अब भोजन वगैरह करेंगे, लेकर आए थे घर से। तो भाई अभी तो हम अजमेर से बैठे ही थे, तो भोजन घर से ही लाए थे, ये आलू गोभी की सब्जी है और पूड़ी है, और इधर कुछ चावल है, बाकी बस यहाँ पर भोजन अभी कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का भी आगे खाना ही है, तो एक बार तो अभी घर का जब तक खा सकते हैं, तो हम यही घर से पैक करा के लाए थे। बाकी थाली वगैरह आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, जो कि हम कल लेंगे, तो कल मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा क्या रेट्स है सब कुछ, है ना। तो चलो अभी भोजन करते हैं, आपसे मिलते हैं आबू रोड पर।
फाइनली अराइव्ड एट आबू रोड। अभी टाइम देख लो, ऑन टाइम अगर देखोगे तो आना था 11:10 पे, तो थोड़ा डिले है लगभग 23 मिनट्स का, बट 300 किलोमीटर का सफ़र करके हम पहुंच गए फाइनली आबू रोड, और 300 किलोमीटर पूरे हो गए। और ये लगभग 6ठा या 7वां स्टॉप है, बीच में मैंने 2-3 स्किप किए, एंड देन अभी यहाँ 10 मिनट का होल्ड है। यहाँ की रबड़ी बड़ी फेमस होती है, तो रबड़ी वगैरह किसी को खानी हो तो आबू रोड आइए। और बस ये लास्ट स्टेशन है राजस्थान का, अब सीधा गाड़ी एंटर कर जाएगी गुजरात में, तो पालनपुर आएगा, फिर गुजरात में अहमदाबाद रात को 3 बजे लगभग पहुँचने वाली है, सूरत आएगा सुबह, तो इस तरह से रहने वाला है। 10 मिनट का होल्ड है आबू रोड पर गाड़ी का, तो अभी रुकी हुई है, तो अभी हम बस यूँ बाहर थोड़ा घूम रहे हैं। बाकी यहाँ पर ठंड है, आबू रोड मैं आपको बताऊँगा, अरावली पर्वतमाला जो है उसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर भी यही है, बाकी वो भी कभी आने वाले व्लॉग्स में मैं कवर कर दूंगा। बाकी यार यहाँ पर एक और ट्रेन खड़ी है, बाकी अपनी ये थी, और बाकी थोड़ा सा घूम रहा हूँ मैं, बाकी अब मैं सोने वाला हूँ। अब आपसे इस स्टेशन के बाद मैं मिलूँगा सीधा सुबह, क्योंकि अब मैं सोऊँगा एंड टाइम हो गया है। अब ये सारे स्टेशन अपन स्किप कर लेंगे, यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, तो पालनपुर गुजरात में आ जाएगा, फिर ये सारे जो रात वाले साबरमती, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, फिर अपन सीधा मिलेंगे आपसे, ये देख सकते हो रात को पहुँचेगी, फिर अपन ये दिन में जाग जाएंगे, तो दिन में सूरत के आसपास अपन उठ के वीडियो वगैरह बनाना वापस शुरू करेंगे। बाकी चलो अभी थोड़ा देखते कुछ खाते पीते, रबड़ी वगैरह पूछ लेता हूँ मैं, बाकी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखो शुभम भाई तो अपना लैपटॉप लेकर काम चालू है इनका, बाकी उधर बुआ वगैरह सो गए, यही अपना है मेरा ये ब्लोअर, बाकी टाइम चलो चले वापस से अंदर अपना, और पूछ लेते हैं कुछ रबड़ी वगैरह खानी है क्या। रबड़ी वगैरह खा रहे हो क्या, आबू रोड की रबड़ी? आबू रोड की फेमस रबड़ी खाने बाहर बुला लिया शुभम भाई को, भी काम कर रहे थे। भाई रबड़ी खा रहे हैं, बढ़िया है यहाँ की, एक नंबर। आबू रोड आओ तो टेस्ट करना जरूर से। बस अब ये पीकर अब वापिस बैठ जाते हैं, अब मिलते हैं आपसे सुबह। 8:10 हो चुके हैं, अभी सूरत से हम आगे की तरफ निकल गए हैं, बाकी अभी उठा ही हूँ मैं, थोड़ा लेट ही उठा क्योंकि लेट सोए थे, बाकी ये डे 2 ऑफिशियली अपना स्टार्ट हो गया है, चलिए आगे आगे देखते जाइए अभी अपन कहाँ कहाँ और जाते हैं, बाकी नज़ारे तैयार हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक दिन से ज़्यादा बिता चुके थे हम ट्रेन में, और जैसे ही सुबह इस तरह के नज़ारे सामने हो तो दिल में एक अलग ही डोपामाइन रिलीज हो जाता है और काफ़ी अमेजिंग लगता है। चारों तरफ हरियाली देखकर हम बढ़ चले थे अपने अगले स्टेशन की तरफ, जो कि अब पूरा स्टेट ही चेंज होने वाला था। हमने शुरू किया था राजस्थान से, फिर हम गए गुजरात, अब हम एंटर करने वाले थे महाराष्ट्र। तो भाई अब आगे महाराष्ट्र में जैसे जैसे स्टेशन की जगह यहाँ पे स्टेट बदलते हैं ना, वैसे वैसे कल्चर भी डिफरेंट होता जाता है, तो ट्रेन का माहौल भी अलग होता जाता है। तो चलिए बने रहिए, अब आगे देखते हैं। तो भाई वी अराइव्ड एट नंदुरबार रेलवे स्टेशन, यहाँ पर आ चुके हैं, अभी महाराष्ट्र का फर्स्ट स्टेशन है, और देख सकते हो गाड़ी ऑन टाइम से भी जल्दी चल रही है। यहाँ आना था 10:10 पे और अभी 9:56 पे गाड़ी यहाँ आ चुकी है, अभी हुआ है 9:58, तो काफ़ी सही है, डिले तो बिल्कुल नहीं है, सारा कवर कर दिया सूरत से यहाँ आते हुए। सूरत के बाद ये पहला स्टेशन है, और यहाँ पर नाश्ता वगैरह मिल रहा है, और गाड़ी आकर रुकी है, लगभग हमारे को हो गया 15-16 घंटे की जर्नी हम कर चुके हैं पूरी, और ये महाराष्ट्र का फर्स्ट स्टेशन आता है, यहाँ से एंट्री हो गई है। इसके बाद गाड़ी पूरे महाराष्ट्र में रहेगी आज, फिर रात के टाइम में छत्तीसगढ़ की तरफ से एंट्री कर लेगी, फिर जाएगी उड़ीसा, तो बाकी कल पहुँच जाएगी 2:30 बजे तक। तो अभी लगभग सब कुछ बढ़िया ही बीत रहा है हमारा, और बस अभी कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, सुबह हो रही है, 10 बज रही है, तो नाश्ता करते हैं, चलो कहीं ले लेते हैं कुछ। और बाकी ये कुछ ऐसा ही स्टेशन है, टीटी साहब वहाँ घूम रहे हैं, बाकी मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा। इधर भी एक और ट्रेन खड़ी है अहमदाबाद मुंबई
सेंट्रल नंदुरबार वाली, तो ये भी खड़ी है तो सामान्य काफ़ी टाइम से खड़ी है। और 10 बज गई, अब 20 मिनट का यहाँ पर स्टॉप है, तो चलिए थोड़ा कुछ नाश्ता किया जाए। आलू बड़े खाने हाँ। सुबह का नाश्ता हाँ हो ठीक है ना, पचे करो, काफी मिर्ची है इसमें, चटपटे हैं, बढ़िया है। अरे मैं और ये भजी है, तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर हम बढ़ चले आगे की तरफ। और रास्ते में हमें देखने को मिली बड़ी बड़ी विंड मिल, तो यहाँ पर चारों तरफ ही दूर दूर तक नज़र जा रही थी, तो मेरे को बड़े बड़े विंड मिल दिख रहे थे। तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, ट्रेन से विंड मिल को देखना भाई काफ़ी अमेजिंग लग रहा था। और हम बढ़ चले थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जैसे जैसे ट्रेन में समय बीत रहा था, वैसे ही वैसे मेरी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रेन व्लॉग रहने वाला था। तो मैं शूट भी करता जा रहा था और स्टेशन भी बदलता जा रहा था। इसी बीच में हम पहुंच चुके थे डोंडेचा से निकल के हम आगे की तरफ बढ़े और हम पहुंच चुके थे, उसके बाद आप देख सकते हैं अमलनीर, इस तरह का ये स्टेशन था। चलिए अब चलते हैं और आगे। तो देखो भाई, ये वाला थोड़ा जंक्शन अलग टाइप का है, यहाँ पे कोच नंबर ऐसे लिखे हुए आ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक नहीं लगा हुआ है, यहाँ जैसे कोच नंबर 12 लिखा हुआ है और उधर देखोगे तो देखो डिब्बा क्रमांक 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ थोड़ा अलग है स्टेशन, थोड़ा अलग है ये, बाकी यहाँ भी 5-10 मिनट रुकेगी गाड़ी। अभी अपन है अमलनेर में, ये देखो यहाँ पर ऐसे लिखे हुए डिब्बा क्रमांक 10-9-8 आगे की तरफ, ये B4 अपना B3 बर्थ है। बाकी ठीक है, 12 बज रही है दिन की, रियेरा भाई अपना बर्थ पूरा भरा हुआ है। चलो अब थोड़ा आगे जलगांव आएगा, इसके बाद उसके बाद आएगा भुसावल, तो वहाँ मेरा शहर से एक फ्रेंड आने वाला है, तो आपको भी मिला है कि उनसे, और वहाँ भी 5 मिनट का होल्ट है, वैसे तो डिले नहीं है, गाड़ी काफ़ी अर्ली ही चल रही है, तो हर जगह आकर ऐसे 15-15 मिनट के होल्ड ले रही है, जहाँ पर 5-5 मिनट रुकना चाहिए क्योंकि डिले बिल्कुल नहीं है, तो एक अच्छी चीज़ है। बाकी चलो अब वापस चढ़ते ट्रेन में, अब निकलने का टाइम होने वाला है। भाई ये है स्टैंडर्ड वेज मील जो कि रेलवे की है, 80 रुपीज़ का कोर्स होता है, आप ज़्यादा मत लीजिएगा। तो बाकी इसमें रोटी, और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये दाल है, इधर ये मिक्स वेज वाली सब्जी है और चावल आए और रोटी इसमें आई है, बाकी यहाँ पर ये सोल्ट है, ये इस तरह का सोल्ट का पैकेट भी दिया है। चलो बढ़िया है, टेस्ट करके बताता हूँ आपको। और भाई एक ये मिठाई का पीस भी दिया है, तो सबके साथ एक एक ऐसे पैकेट में आया है, तो ही ये बढ़िया चीज़ है। बाकी अभी टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ। दाल का टेस्ट ठीक है, अब वेज थोड़ा ट्राई करते हैं, तो टेस्ट ठीक है बिल्कुल। तो अभी हमने जो खाना खाया, आप सोच रहे होगे कहाँ से आता है, तो यहाँ से आता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन होती है उसमें पेंट्री कार होता है, पर्सनल खुद का एक अलग से कोच होता है, जहाँ खाना बनता है, प्रिपेयर होता है और सर्व होता है पूरी ट्रेन में, तो ये वो पेंट्री कार है। यहाँ पर कुछ सीट्स होती है जो पेंट्री वर्कर्स होते हैं उनके लिए, एंड यहाँ पर इस तरह की थी, हमको भी यहीं से खाना आया था, और यही कुछ यहाँ पर बर्तन वगैरह धुलते हैं, A to Z जो पेंट्री का काम होता है वो यहाँ से हैंडल होता है। तो आपको ये पता था क्या, कमेंट करके बताना। तो भाई भुसावल रेलवे स्टेशन आ चुका है, यहाँ पे मित्र भी आने वाले हैं, तो भाई ये देखो सीधे भाई आ चुके हैं अपने, ये क्या लेकर आए हो ये बताओ? वड़ा पाव और जलेबी। वड़ा पाव और जलेबी यहाँ की फेमस है, भुसावल की फेमस है। तो भाई भुसावल की फेमस है ये, और खा के ट्राई करेंगे अपन। और बताओ सीधे भाई, मेरे को कैसे जानते हो? मैं आपको तो 4 सालों से जानता हूँ। मोडिएटर थे हमारे, और अब देख लो अब रियल लाइफ में भी मीटिंग हो रही है। अच्छा हुआ मिलना हुआ, आप इधर आए तो
अभी वापिस आने वाले, अभी हम प्लान कर रहे हैं एक रोड ट्रिप टू नासिक, त्र्यंबकेश्वर, हरिहरगढ़ फोर्ट, उसमें मजा आएगा। हो सकता है वो अगले मंथ ही हो, मार्च में हम आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है, अभी बस प्लान करते हैं, वही बातचीत करते हैं। नासिक जाएंगे बाइक ट्रिप, यहाँ से यहाँ पे आप आ जाना, यहाँ से अपन बाइक ट्रिप जाएंगे नासिक। चलो आप ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करता, अभी मैं कुछ बात कर लेता हूँ। सीधे भाई जा रहे हैं, हमारी ट्रेन चल गई भाई, चलो मिलते हैं बिल्कुल नासिक। बाकी चल गई भाई, भूसावल से अपन रवाना हो गए, सीधे भाई भी निकल गए, और बस अब अपन चलते हैं अंदर। और ये दिखाता हूँ क्या है, वड़ा पाव जो भी आया है ये खाते हैं। तो भाई ये वड़ा पाव है यहाँ का, भूसावल का खाते हैं भाई, ये बर्गर ही लग रहा है मेरे को तो। तो बढ़िया भाई। तो भाई ये जलेबी, जलेबी खाते हैं, गर्म है अभी तो बहुत। जलेबी भी बढ़िया। तो भाई बड़नेरा आ गए अपन, यहाँ पर देख सकते हो एक मालगाड़ी खड़ी है, अभी क्रॉसिंग पे खड़ी है गाड़ी, अभी एक गाड़ी निकलेगी उधर से, फिर अपन को रास्ता मिलेगा। और लगभग 15 मिनट डिले हुई है, यहाँ शाम होने को आ गई है, तो काफ़ी सही सीन चल रहा। बाकी देखो यार कितने बड़े बड़े ये टंके टाइप के लगे हुए हैं, BTPN। चलो बाकी हम ये रहे, काफ़ी टाइम हो गया, 24 घंटे पूरे होने वाले हैं मेरे को ट्रेन में। बाकी सही है, रात को तो हमने डोमिनोज से ऑर्डर किया है, देखते हैं डोमिनोज वाली ट्रेन इन डिलीवरी जो होती है वो भी यूज़ करके देखिए, देखते कितना गर्म पिज्ज़ा आता है हमारा। 8 बजे लगभग नागपुर स्टेशन पर जब गाड़ी रुकेगी तब वो डिलीवरी अपने पास आएगी। तो सीटी बज गई है, निकलने वाली है ट्रेन। ट्रेन के अंदर से प्यारा सा सनसेट का लुक आप सभी देख रहे हो, मुझे भी देख करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया था, और ये सनसेट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। तो भाई वर्धा जंक्शन पे आ गए हैं, लगभग 25 मिनट ट्रेन डिले हुई है। बाकी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, यहाँ पर देखोगे ना हर जगह बढ़िया है। बाकी अगला जंक्शन आने वाला है नागपुर, और लगभग हमने 1400 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर ली है, अभी भी लगभग 1100-1200 किलोमीटर और बचे आगे, तो वो भी करेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल वगैरह बना रखा है, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आई लाइक इट। यार आपको कैसा लगा, इसमें दे रखा है पूरा दर्शनीय स्थल के बारे में, यहाँ के जो जो भी है वर्धा के, और काफ़ी बढ़िया सा ये सेवाग्राम आश्रम बना रखा है। बाकी ट्रेन का होल्ड यहाँ 3 मिनट ही है भाई, ज़्यादा रुकेगी नहीं, वहाँ पे निकल जाएगी, और डिले ऑलरेडी है तो और माइट भी जल्दी निकाल देंगे। ये रहा अपना कोच, और चलो वापस अपन तो चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ही भटकना आ गया था मैं बाहर। बाकी इधर भी एक और ट्रेन खड़ी है, ये प्लेटफॉर्म होगा कोई तो भी। भाई फाइनली रीच्ड 8 नागपुर स्टेशन, बाकी 1500 किलोमीटर लगभग 1447 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो गया 2500 में से। बाकी ये आ गया अपना प्लेटफॉर्म 6 पे, ये गाड़ी नागपुर पे, और अभी रात की बज रही है 8:15। भाई ये देखो ये लोकल ट्रेन है नागपुर की, जो मुंबई वगैरह में भी आपने देखी होगी भीड़, देखो ये यहाँ कितनी भीड़ है, पर यहाँ तो फिर भी नॉर्मल है भाई, मुंबई में तो ऑल हाल ख़राब रहता है। भाई ये रेलवे स्टेशन नागपुर का, और ये देखो कोई मिलना है हमसे, ये हमारे डार्क भाई, बड़े टाइम बाद हम दोनों मिले, ट्राई बहुत किया था मिलने की पर मिल नहीं पा रहे थे, ये ज़्यादा ही बिजी लोग है ये। बाकी ये नागपुर का स्टेशन, और यहाँ 5 मिनट रुकेगी गाड़ी, ज़्यादा नहीं रुकने वाली। देखो ये सामने की तरफ नागपुर में ये राम झूला है, बड़ा सा ब्रिज दिख रहा होगा, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। तो भाई ये जा रहा है और हम भी निकल रहे हैं। तो भाई नागपुर स्टेशन पे तो अपन ने डोमिनोज से ऑर्डर दे दिया था, भाई ये कुछ नई स्टाइल देखी मेरे को, इसमें कोक है पर ये ऐसे एल्युमिनियम फोन में कौन लपेटता है भाई, ये देखो पेप्सी, ठीक है भाई ऐसे फोन में लपेट रखा है। बाकी चलो अब खाते हैं, और अब तो माइट भी एक दो स्टेशन और दिखाऊंगा मैं, फिर आपको सीधा मिलेगा कल जो अपना D3 होने वाला है ट्रेन में। तो रात की 10 बज चुकी है, बस सोने की तैयारी है, इधर अपना वन पीस देख रहा हूँ मैं वेब सीरीज, और सोए पड़े। बाकी अब मिलेगी आपसे माइट भी, अभी छत्तीसगढ़ में एंटर होने वाली है गाड़ी, दुर्ग जंक्शन आएगा अब, वो लगभग 12:10 के आसपास आएगा, और अभी लगभग बज रही है 10:15 ऐसा कुछ, तो 2 घंटे का लगभग सफ़र है, फिर अपन एंटर कर जाएंगे छत्तीसगढ़।
तो चलो उस स्टेशन पर मैं उतर के आपको दिखा दूंगा, बाकी फिर आपको मिलेगा डे 3 जो कि लास्ट के ट्रेन का। तो भाई ये है दुर्ग जंक्शन जो कि छत्तीसगढ़ में आ जाता है। तो रात की 12 बज रही है वैसे तो अभी, और बाकी ये दुर्ग है, नाम अच्छा है जगह का। तो 5 मिनट का होल्ड है, यहाँ की कुछ लोकेशन ऐसी है। थोड़ा सा मैं सो रहा हूँ जाके, और हो गया बस, अब आपसे मिलेंगे कल। एंड रात की 12 बजे का सीन कुछ ऐसा है रेलवे स्टेशन का, काफ़ी बढ़िया है जंक्शन, काफ़ी साफ सुथरा है, अच्छा लग रहा है। बाकी देख लो ये बिफोर इधर। सो भाई ऑफिशियली डे 3 स्टार्टेड, और इस प्राकृतिक दृश्यों के साथ में हमारा ट्रेन से स्टार्ट हो रहा है डे। और भाई चारों तरफ पहाड़ है, और भाई काफ़ी सही लग रहा है यार लुक। बाकी हम ये रहे, और अभी हम आने वाले हैं रायरापुर। अभी यहाँ से लगभग 10-1 किलोमीटर और बचा है, एंड टोटल हमने जर्नी कंप्लीट कर ली है 2205 किलोमीटर्स की। टोटल हमारे को करनी है 2475, तो लगभग 200-250 किलोमीटर का सफ़र हम आज अपने डे 3 में करने वाले हैं। बाकी भाई बाहर के दृश्य जो हो चुके हैं ना, वो और भी ज़्यादा अमेजिंग हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट स्टेशन का नाम है रायरापुर, तो अभी अपन उतरने वाले हैं। एंड मेरे को चाय वाय भी पीनी, अभी सुबह हो गई है। और अब अगर मैं अभी आपको दिखाऊं ट्रेन कितना डिले चल रही है, ये भी कुछ लोग पूछते हैं, तो उनका मैं इस यहाँ पर दूर कर देता हूँ। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर डिले बाय 31 मिनट्स आ रहा है। यहाँ पर रायरापुर 8:42 पे पहुँचनी चाहिए थी, और अभी 9:07 हो चुके हैं, तो मोटा मोटा भाई 30-32 मिनट का भी डिले हुआ है। एंड माइट भी यार ये पूरी पहुँचते पहुँचते कवर कर लेगी गाड़ी, क्योंकि पहले भी इसने 40 मिनट का डिले भी कवर कर लिया था, जब सूरत से निकली थी तब पूरा कवर कर लिया था। तो डिले नहीं हुई, गाड़ी बिल्कुल ऑन टाइम ही चल रही है लगभग, और बाकी सब कुछ बढ़िया गया हमारे साथ। 3 दिन का एक्सपीरियंस एंडिंग में शेयर करूँगा मैं आपके साथ। बाकी भाई ये देखो ये काई की खेती है, अगर आपको पता है तो बताना कि वाइट वाइट क्या है, ये चावल है, व्हाट वाज दैट। बाकी तो भाई सीन यार जोरदार है, आई लाइक इट भाई। आपको कैसे लग रहे हैं बताओ कमेंट्स। भाई ब्रिज क्रॉसिंग हो रहा है, और सामने का व्यू देखो, बाकी ये रहा स्टेशन रायरापुर। तो भाई देखते हैं अभी यहाँ पर देख सकते हो अपन उड़ीसा के अंदर आ चुके हैं, अभी रायरापुर नाम है रायरा, तो बाकी यहाँ पे उड़ीसा में भी लिखा हुआ है। और ये तो छोटा स्टेशन है भाई, यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला, पर देखते हैं अभी आगे। चाय भाई पीनी थी भाई, 3 मिनट का होल्ट है, और कुछ होगा भी तो आगे होगा, और इधर भी कुछ नहीं है। बाकी भाई बारिश जैसा मौसम हो रखा है सही है, और काफ़ी टाइम से अपन चल रहे हैं, या अजमेर से ही आए पूरी की तरफ जा रहे हैं। बाकी ये सीन है, मौसम बड़ा मस्त हो गया भाई, भाई ऐसे ही मौसम रहे जब अपन पूरी घूम रहे हो ना, तो और मज़ा आ जाएगी भाई। बाकी ठीक है, ये रहा अपना कोच B3, और इधर B4 B5 B6 आगे की तरफ है। और भाई डिले कितना है मैं बताता हूँ। सो बाकी यहाँ पर देख लो अराइव्ड हो चुकी है 9:15 पे, तो डिले 33 मिनट्स हुआ है। बाकी अभी कुछ स्टेशन आगे और बचे हुए हैं, जैसे अगला आएगा अंगुल, फिर आप देख सकते हो यहाँ पर, फिर पूरी मतलब 4-5 स्टेशन बचे हुए, तो इन बीच में भी मैं आपको 1 या 2 स्टेशन पे मिल जाऊँगा वीडियो बनाता हुआ, दिखा दूंगा कवर कर दूंगा, क्योंकि लंबी ट्रेन है ना, तो सारे स्टेशन कवर करो तो बहुत लंबा ही वीडियो हो जाता है, ये भी लंबा हो चुका होगा पता है मुझे, पर ठीक है चलो वापस चलते हैं अंदर। एंड अब ट्रेन भी रवाना होने वाली है। भाई अंगुल पहुंच चुके हैं, और लगभग ऑन टाइम ही हो गई है गाड़ी, जो पहले डिले थी मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये देख सकते हो नो डिले, और टाइम पे पहुंच गई, खैर बढ़िया है। भाई अंगुल से निकल गई ट्रेन।
बताओ ना। भाई यहाँ का व्यू देखो, ये एक ब्रिज क्रॉसिंग चल रही है और सामने पूरा लेक टाइप है, काफी बढ़िया लग रहा है। आगे डैम भी बना हुआ है, तो ये तो समुंदर वाला ही रास्ता दिख रहा है। उधर की तरफ में डैम है, वहाँ देखना सामने। भुवनेश्वर पे आ चुके हैं और ये है कैपिटल ऑफ उड़ीसा। बाकी भाई अब बस आने वाला है पूरी, हमने पूरा कर लिया 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस। और भाई अभी यहाँ पर ये बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन बोल लो क्योंकि कैपिटल है, काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगी दोनों तरफ आप देख लो। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हो भीड़, काफ़ी देर बाद ऐसा स्टेशन दिखा है जहाँ पर इतनी भीड़ आपको देखने को मिली। चलो बाकी अब बस सीधा पूरी में मिलेंगे आपसे और ये ब्लॉग ख़त्म करेंगे। आपको कैसा लगा, फर्स्ट टाइम ट्राई करा ट्रेन ब्लॉगिंग? बाकी ये था अपना अजमेर पूरी एक्सप्रेस का पूरा एक्सपीरियंस। चलो अब मिलते हैं आपसे सीधा पूरी में। तो भाई बस अब लास्ट स्टेशन बचा है इस पूरी ट्रेन का, वो है पूरी। और करंटली भाई पूरे 2500 किलोमीटर की जर्नी थी टोटल, फर्स्ट टाइम की हमने ट्रेन में एक साथ इतना, मतलब 3 डेज का ये ट्रेन था। और अभी सेम हमारे को दोबारा भी करनी है, जब हम जगन्नाथपुरी पूरा घूम लेंगे, दर्शन कर लेंगे, उसके बाद वापस अजमेर के लिए सेम ट्रेन आने वाली है। तो ये भी एक, मतलब देखता हूँ यार क्या सीन रहता है 2500 दिन की ट्रेन जर्नी, मतलब इतना बोर भी नहीं हुआ, मतलब ठीक है यार निकल गई काफी जल्दी। तो बस अब पूरी पहुंचते हैं और आपको मिलाते हैं और बाकी एक्सपीरियंस पूछते हैं बाकियों से भी कैसा रहा उनका 2500 दिन का। कैसा लगा भाई 2500 दिन? बहुत मस्त गए हैं ट्रेन में बैठे बैठे 2500 दिन, करने को कुछ नहीं होता है, बस वही दिक्कत है इसलिए थकता है इंसान। हाँ शुभम भाई आप क्या बोलोगे? तो इनका तो वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम ट्रेन चल रहा था, लैपटॉप ये और ये इनका साइड लोअर सीट। और भुआ आप क्या बोलोगे? एनीमे देख के टाइम पास, और ये एनीमे देख के टाइम पास कर रहे थे। मैंने भी वन पीस पूरा देख लिया, उसके अलावा मैंने 2 मूवीज देख ली, तो बस काफी। मैंने वेब सीरीज देखी है, एनीमे तो बहुत बड़ा है, वो वेब सीरीज में 8 ही एपिसोड है तो वो देख लिए, तो काफी कुछ किया। बाकी चलो अभी थोड़े नजारे देखो आसपास के, काफी सही चल रहे, दूर दूर तक यहाँ पर हरियाली दिखेगी। देखो यहाँ पर मंदिर भी है काफी अच्छा, बाहर 2 शेर बने हुए, तो माता जी का मंदिर होगा। बाकी मूर्ति भी लगी हुई थी बजरंग बली की, काफी सही है यार। और बाकी ये देखो ये बीच में एक छोटू सा घर, सही लग रहा है। बाकी अब ट्रेन दिखाऊं तो मैं, खाली हो गई है पूरी, लगभग कोई है नहीं। और ये हमारा कोच था एंड जो अभी खाली है, अभी है कुछ कुछ लोग, बाकी सब गए क्योंकि अब लास्ट स्टेशन बचा हुआ है। तो चलो थोड़ा सा बाहर घूमते और इधर की साइड के नज़ारे कुछ ऐसे। ये स्टेशन आया है हरिपुर ग्राम जंक्शन, तो ग्राम जंक्शन है भाई ये, और पहाड़ तो चारों तरफ है भाई, ये घर के स्टाइल भी यहाँ पे कुछ अलग ही बने हुए हैं। तो चलो ये था पूरा ट्रेन ब्लॉग, अब पूरी का जंक्शन दिखा के फिर खत्म कर देंगे इसको, मिलते हैं अब सीधा जंक्शन पे। जहाँ से गाड़ी लगी राजस्थान। हाँ तो भाई पूरी आ चुके हैं और लगभग 1 घंटा डिले हुई, लगभग 51-52 मिनट तो चलता है यार, इतना तो लंबी ट्रेनों में दे सकते हैं, बट बाकी ठीक है, मैंने भी यही सोचा था। हाँ बोलिए। लेट लगभग 1 घंटा लेट हुआ, 51-52 मिनट। बाकी भाई ये रहा स्टेशन, अभी थोड़ा और आगे जा रहे हैं, अभी हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 7 आया है। ठीक है 2500 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो गई यार, 2.5-3 दिन से ट्रेन में ही थे, 2 रातें निकाली और हाँ लगभग। चलो भाई अब चलते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं एंड यहीं। तो पूरा ब्लॉग कैसा लगा ट्रेन वाला कमेंट करके बता देना। बाकी अब इसी ट्रिप के पूरे ब्लॉग्स आने वाले हैं टेम्पल्स के, जो अपन जहाँ जहाँ घूमने वाले हैं। चलो भाई उतर जाते हैं उसके नीचे, ये स्टेशन है भाई, ये रहा ट्रेन का इंजन, हमारी जो भी था यही इंजन था, यही लाया है हमारे को पूरी तक। तो बाकी ये रहा और ये स्टेशन है पूरा, आगे से गाता हूँ इंजन।
ये रहा भाई इंजन पूरी का। अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता देते हैं आपको इस पूरे ट्रिप का क्या रहा। काफ़ी मज़ा आया, हमने दो बार सेम ट्रेन ली एंड ढाई ढाई दिन, मतलब टोटल तीन दिन हमारे को ट्रेन में बिताने को मिला, मतलब टोटल सिक्स डेज। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स बने और जब हम वापस रिटर्न कर रहे थे तो एक पूरा भुवनेश्वर से ग्रुप चढ़ा था 60+ पीपल्स का, तो सबसे ऐसा फैमिली जैसा मतलब व्यवहार हो गया और बस खाते पीते इंजॉय करते हम वापस से अजमेर की तरफ भी पहुँच गए। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया पूरे ट्रिप में और आपने देखा ही क्या क्या हुआ हमारे साथ ट्रिप में। एंड ये हमने केवल जाने का शूट किया, आने का नहीं कर पाया बिकॉज वहाँ पर इतना ट्रैवल करा कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो भाई रेस्ट चाहिए था बॉडी को, तो बस आते वक्त तो हम बस सोते सोते वापस अजमेर की तरफ आ गए थे। बाकी कमेंट करके बताना, फर्स्ट ट्रेन व्लॉग है, आपको आगे और भी ट्रेन व्लॉग्स चाहिए क्या कमेंट करना, तो हम ज़रूर से आपके लिए ट्रेन व्लॉग्स लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं इसके ट्रैवल व्लॉग्स जो टेम्पल व्लॉग्स है उनके साथ, आप बने रहिएगा चैनल के साथ।